नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं रामा विहार में। ये दिल्ली का ही रामा विहार है और लगातार जिस तरीके से केमिस्ट की शॉप पर नशे की चीजें बिकने की बहुत बड़ी धांधलेबाजी जो है वो सामने आ रही है, लगातार इसके खुलासे भी किए जा रहे हैं। ओपन चैलेंज 24 न्यूज लगातार केमिस्ट शॉप पर आपको दिखाता रहा है किस तरीके से नशीली दवाइयां, नशीले इंजेक्शन जो है वो खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला नार्कोटेक्स की टीम ने सुलझाया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। रोहिणी डीसीपी और रोहिणी एसीपी की रेखदेख में नार्कोटेक्स की एक टीम का गठन किया गया, जो की खुफिया सूचना मिली थी उन लोगों को कि यहाँ पर एक केमिस्ट की शॉप है, बजरंग केमिस्ट की शॉप है ये, और यहाँ पर नशे की दवाइयाँ, नशे के इंजेक्शन, नशे के सिरप जो है वो खुलेआम बेचे जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बजरंग केमिस्ट की शॉप है, बजरंग मेडिकल स्टोर है, जो कि एक रोहित नाम का लड़का इसे चला रहा, जिसकी उम्र 25 साल बताई गई है और वो हरियाणा सोनीपत के किरोली गाँव का रहने वाला बताया गया है। यहाँ जब खुफिया जानकारी मिलने के बाद नार्कोटेक्स टीम जब यहाँ पहुंची, उन्होंने छापेमारी की तो इसकी दुकान से 49 जो है वो नशे की टैबलेट जो है वो बरामद हुई, 25 एविल के इंजेक्शन बरामद हुए और उसके साथ 233 जो है वो सिरिंज बरामद हुए। जी हाँ, आपने सही सुना, नशे की बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो नशे का सामान है वो बरामद हुआ और ये वो नशे की दवाइयाँ हैं, नशे के इंजेक्शन हैं जो पूरी तरह से सरकार की तरफ से बैन किए जा चुके हैं। इन्हें बेचना कानूनी अपराध है, लेकिन जो केमिस्ट शॉप पर जो लोग होते हैं, जो ये दवाइयों को बेचने का काम करते हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में कानून का डर कहीं से कहीं तक नहीं होता और ये खुलेआम इन चीजों को बेचते हैं, जिससे कि युवा जो है वो लगातार नशे की लत में पड़ रहे हैं और आने वाला जो उनका भविष्य है वो अंधेरे में जा रहा है। लोग मर रहे हैं नशा कर करके, लेकिन जब इन लोगों के हौसले ज्यादा बुलंद हो जाते हैं तो वहां पर नार्कोटेक्स टीम जो है वो अपनी हिम्मत और अपनी काबिलियत के बल पर इनको बंद कराने का काम करती है। तो नार्कोटेक्स की टीम ने बहुत सराहनीय जो काम किया है, मैं आपसे निवेदन करूंगी रोहिणी डीसीपी, एसीपी और नार्कोटेक्स की टीम को कि आप इस तरीके के काम करते रहें। ओपन चैलेंज 24 न्यूज भी लगातार ये खुलासे कर रहा है और जब तक ये नशा खुलेआम बिकना बंद नहीं होगा तब तक देश के युवाओं के साथ इसी तरह से खिलवाड़ चलता रहेगा, उनकी जान इसी तरह से जाती रहेगी। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज़।